यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ये बहुत ही जानी मानी बात है, यानी कि अगर हम एक हैं, हमारे अंदर एकता है, तो हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे. लेकिन हाँ, अगर हम लोग में विभाजन हो जाता है, विभाजित हो जाते हैं, हम लोग अलग थलग पड़ जाते हैं, डिविजन हो जाता है, तो हम विकास की राह पर आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हमारा भी पतन शुरू हो जाएगा. लेकिन वाकई में अगर देश को सही मायनों में अगर किसी ने यूनाइट किया, एक किया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाया और भारत को एक सूत्र में बांधा ताकि पूरा देश यूनाइट हो सके. नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और जेनेक्स के इस आधे घंटे के सफर में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि आजकल के जो युवा हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो आयरन मैन हैं उनसे क्या कुछ सीख ले सकते हैं, उनके जो संकल्प थे उनको किस तरह से अपने जीवन में उतार करके अपने आप को तो विकास की राह में आगे बढ़ा ही सकते हैं लेकिन देश की उन्नति में किस तरह से जो अहम भूमिका है उसे निभा सकते हैं. इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हमारे देश का है, वो देश की यूनिटी को, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ अपना योगदान दे सकता है. और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास दो मेहमान मौजूद हैं, आपको उनसे रूबरू करा देते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, के जी सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हितेश शंकर. हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है. चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यंगस्टर्स का ओपिनियन, यंगस्टर्स का व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की या फिर आयरन मैन की कौन सी बातें प्रेरित करती हैं, जानने की कोशिश करते हैं. कौन अपना सवाल करना चाहेगा यहाँ से, आप में से कोई? ठीक है, ये लीजिए. So as we all know that he has been a great lawyer in, apart from being a great inspiring political leader. Mm-hmm. So there was once incident about one small incident about him which is very famous, that he was once cross examining a witness in the court, and he received a paper note during the court proceedings, and he had a glance at the note and then he kept it in his pocket and continued with his arguments. So after that, when his arguments were over, he came outside the court, and then everybody got to know that it was a note regarding the death of his wife, and it was very surprising that he had such calmness and no ek kehte na shikan nahi aayi unke chehre pe. Exactly. So he has a very stoic महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल त्याग और समर्पण के एक अनूठे मिसाल थे. हम सब जानते हैं कि आज़ादी के टाइम उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से मतलब अपना नाम वापस ले लिया था सिर्फ गांधी जी के कहने से. लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है. सीट के लिए कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा. नमस्कार, मेरा नाम कौशल कुमार है. मेरा सवाल के जी सुरेश सर से गेस्ट से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक कश्मीर का इशू आया, आंध्रा में हैदराबाद के निज़ाम, देश के अलग अलग हिस्सों में जो उन लोगों के राज्यों की सत्ता थी, बनाए रखना देश को जुड़ रहा एक बड़ी चुनौती थी. सरदार पटेल ने जिस हिम्मत के साथ अपने दम पर, सपोर्ट तो था ही सरकार का, गृह मंत्री के तौर पर जिस तरह उन्होंने हिम्मत दिखाया, आज माओवाद के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह इतने सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं एक लीडर सामने आता है जो सबको एक सूत्र में बांध सके? सरदार वल्लभ भाई मुद्दे हमारे सामने हैं. केजी सुरेश जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत कर लेते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व की आज देश को जरूरत है, कैसे मिलेगा ऐसा व्यक्तित्व आज की तारीख में? देखिए, अब सरदार पटेल तो नहीं मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी नहीं मिलेंगे दोबारा, लेकिन हमारे बीच में ऐसी बात नहीं है कि हम अक्सर एक रोना बन गया है कि हमारे बीच में नेता नहीं है. मैं इस बात को नहीं मानता हूँ. ये राजनीति के प्रति एक उदासीनता ठीक नहीं है हमारे युवा पीढ़ी में. आज के नेता में कुछ नहीं है. कल मैं टीवी में देख रहा था कि वो किसी चैनल में दिखा रहे थे कि इमरान खान जो है वो पुशअप्स कर रहे हैं. कह रहे हैं कि हमारे नेताओं में कौन है पुशअप्स करने वाले. अब जाके देखिए हमारे नेता कितने फिट रहते हैं, योग करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं. तो ये जो एक सोच है, मुझे लगता है कि इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है कि हमारे नेताओं में जो है वो गुण नहीं है. हाँ, सरदार पटेल एक बहुत बड़े नेता थे जो हम सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक आदर्श हैं. उनसे सबको सीखना चाहिए. और आज भी हमारे कई नेता हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो आज उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं. ये जरूर है कि सिर्फ नेताओं को या राजनेताओं को सिर्फ उनके पदचिन्हों पर चलने से काम नहीं चलेगा. मुझे आपको भी चलना पड़ेगा,
ये युवा पीढ़ी का भी दायित्व बनता है, क्योंकि नेतृत्व का जो जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग क्षेत्रों में हम सबके हाथ में है। कोई मीडिया में जाएगा, कोई प्रशासन में जाएगा, कोई उद्योग में जाएगा, कोई वकालत में जाएगा, तो आप सब अलग अलग क्षेत्रों के नेतृत्व जो है, तो ये नेतृत्व के जो गुण हैं वो सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं है, ये समाज के हर तबके में जो नेतृत्व की जरूरत है। तो वो जो गुण है जिसका यहां जिक्र किया गया था, किस तरीके से व्यक्तिगत जीवन में एक भूचाल आने के बावजूद पूरी तरह उन्होंने शांति बरकरार रखा और उस पर बिल्कुल डगमगाया नहीं, अपने आर्ग्यूमेंट को पूरा किया, उसके बाद जाके उन्होंने बाहर जाके ये, तो ये जो धैर्य है और उसी धैर्य ने जो व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने जिसका उनका एक अनुभव रहा उसी को उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उतारा। और हमने देखा कि जब भारत आज़ाद हुआ 565 रियासतें, दो यानी कि 2/3 हिंदुस्तान जो है रियासतों में बटा हुआ था, उनके साथ साम दाम दंड भेद, प्रेम से भी बात करना और जहां डंडे की जरूरत है वहां डंडा भी दिखाना। आपने देखा हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, बाकी जगह जो है जिस तरीके से बात करनी चाहिए थे, जहां प्रेम से बात हुई थी वहां उन्होंने प्रीवी पर्सेस की बात कही, उन्होंने जो राजा है, रजवाड़े हैं, उनको बताया कि आपके कुछ सुविधाएं उसको हम बरकरार रखेंगे, तो उन्होंने प्रेम की भी बात कही, नहीं माने उन पर जो है उन्होंने पुलिस एक्शन भी लिया। तो ये जो एक उनमें जो वो जो बैलेंस है, जो संतुलित एक परिपक्वता, वो मेरे ख्याल से जो है वो बहुत बड़ा आदर्श है जो आज हमारे जरूरत है। लेकिन हितेश, आप समझना चाहेंगे यंगस्टर्स किस तरह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव है कि सबको साथ लेकर के यूनाइट करके चले, जीएसटी का एक मुद्दा फंसा था, सरकार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से ऑपोजिशन के पास पहुंचे, जीएसटी के मसले पर एक आम सहमति बनी और एक तरह से जीएसटी जैसा जो बिल था वो भी दिलाता, वही बात को किस तरह से आप सबको साथ लेकर के यूनाइट, किस तरह से इन सब चीजों को सीख सकते हैं कि यूनाइट हो, सबको साथ लेकर के चला जा सके आगे। यंगस्टर सीख क्या सकता है सरदार पटेल के बारे में, उसमें सबसे बड़ी चुनौती अब तक जो रही कि सरदार पटेल या हमारे देश की जो और विभूतियां हैं, क्या हम गिनती के महापुरुषों के बारे में एक खास नजरिए से देखेंगे? सरदार पटेल का अगर हम संज्ञान लेंगे तो कब लेंगे? भारत में अब आप अगर तफसील में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे, तो देखिए सरदार पटेल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो सकते थे, महात्मा गांधी की बात मानी और पीछे हट गए, इसलिए नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वरना घटनाक्रम सामान्य रहता तो देश को पहला प्रधानमंत्री अगर कोई मिलना था तो लौह पुरुष, परंतु उस घटनाक्रम के बाद 1955 में नेहरू जी जब थे, नेहरू जी को भारत 71 में इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, परंतु सरदार पटेल को राजीव गांधी के साथ 1991 में भारत रत्न दिया जाता है। क्या हमारा नजरिया अपने महापुरुषों को समझने के लिए, हमारी दिलचस्पी, जिज्ञासा, ये क्या उसका स्तर ठीक है? मुझे लगता है कि इस के पास आज जो सबसे बड़ी ताकत है अपना नजरिया ठीक करने के लिए, कि संदर्भ के लिए, जानकारी के लिए हजारों हजार दरवाजे खुले हुए हैं और उन दरवाजों को खटखटाना हमें आता है। 564 अगर रियासतों को एक करने वाली बात थी तो पहले लोग 561 पन्ने भी नहीं पढ़ते होंगे उस समय पर, परंतु आज ये वो बच्चे हैं जो 1000 व्हाट्सएप के SMS अगले दिन तक निपटा देते हैं। तो सच तक जाने से इस जनरेशन को, जेन एक्स को कोई नहीं रोक सकता है। महापुरुष किसी एक के नहीं होते और सबकी जो जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को अपनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अभी सुरेश साहब जैसे बता रहे थे, वहां से सवाल उठा, दो चीज थी कि एक वकालत करते समय एक पुर्जा आता है जिसमें पत्नी की मृत्यु की खबर है, बिल्कुल आदमी थर्रा जाता है कि अब आगे क्या करूं, हौसला छोड़ देता है। दूसरा हैदराबाद की बात थी, हैदराबाद के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखने की बात है कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। हैदराबाद में 17,000 से 22,000 कुछ आर्मी थी निजाम के पास, 2,00,000 रजाकारों की फौज थी, लोगों को रोज मारा जा रहा था, हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे, घर लूटे जा रहे थे। ऐसे में
अचानक एक दिन खबर आती है प्रधानमंत्री के पास कि देश की सेनाओं ने हैदराबाद पर धावा बोल दिया। सरदार पटेल को फोन मिलाया जाता है तो बताया जाता है कि सरदार पटेल की तबीयत अभी ठीक नहीं है, फोन नहीं उठाएंगे। वो फोन नहीं उठा और हैदराबाद बच गया। तो कहां पर कैसे निर्णय लेना है ये सरदार था, कब फोन उठाना है कब नहीं उठाना, ये, किसी ये, व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है मगर देश के लिए क्या अच्छा है। वही लीडरशिप की बात आज हम कर रहे हैं इस पटल के ऊपर कि किस तरह एक लीडरशिप रोल ले सके। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे केजी सुरेश जी आती है कि कम्युनिकेशन का ही बहुत अभाव देखने को मिला यंगस्टर्स के अंदर। कॉलेज में अगर होमवर्क नहीं करना है, क्लास बंक करनी है, तो वहां पर तो यूनिटी दिखाई देती है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर यूनिटी नहीं दिखाई देती है। ये यूनिटी लेने के मामले में केजी सुरेश साहब किस तरह से यंगस्टर्स आगे आ सकते हैं? एजेंडा एक ही है कि देश का विकास हो, सबका विकास हो और सब लोग साथ चल सके, लेकिन कई बार ये यूनिटी डगमगा जाती है। तक यंगस्टर्स की बात की जाए, देखिए कुछ हमें मैंने देखा है कि हम समझते हैं कि देशभक्ति मतलब तिरंगा झंडा लेकर घूमना, 15 अगस्त को पतंग उड़ाना, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उस वक्त जो है नारे लगाना, पटाखे फोड़ना, ये नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है, ये अपने जगह इसका अपना महत्व है, लेकिन क्या हम अपना टैक्स को पूरा करते हैं? क्या हम नियमों का पालन करते हैं? क्या हम बाइक में जाते हुए हम क्या हेलमेट पहनते हैं? इतने छोटे से चीज़ों से लेकर क्या सड़कों का नियम हम पालन करते हैं? क्या स्वच्छ भारत को हम जो है स्वच्छ रखते हैं वाकई? ये जो एक जिस पर सरदार पटेल की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, वही संविधान में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात कही, जो मूलभूत अधिकार आज हमें मिले हैं उसमें बाबा साहब ने जितना प्रयास किया उतना ही बड़ा योगदान जो है सरदार पटेल का है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पर उनका जोर था और उसका उतना ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटीज हैं देश के प्रति। हम अक्सर जॉन एफ केनेडी ने कहा था, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। आप अपने देश के लिए ये मत पूछो कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया। हमारे देश ने ही सब कुछ किया है, हम जो कुछ पढ़ लिख रहे हैं और हम इधर तक पहुंचे हैं वो सब देश की वजह से। सब सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा सब्सिडाइज्ड है और गरीब से गरीब आदमी इसमें टैक्स ये ना समझे। अक्सर हम लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं कि टैक्स सिर्फ अमीर लोग या मिडिल क्लास लोग ही देते हैं, जीता है उसमें भी टैक्स लगता है, जो सबका एक एक व्यक्ति का इस देश का जो है टैक्स देता है और उसका योगदान है। और उस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक की जमीन, एक एक नागरिक मेरा भाई है, मेरा सगा है, मेरी बहन है, ये जो महसूस जब तक आप नहीं करेंगे उसके लिए दर्द नहीं जगेगा। वो है एकता। एकता है कि उसको कोई चोट पहुंचता है तो मेरे मन में भी दर्द होना चाहिए कि उसको दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तभी तभी देश विकास की राह पर आगे भी बढ़ पाएगा, क्योंकि वो जरूरी भी है। और यही बात की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने जब 12 राज्यों ने आपस में एमओयू साइन किया कि आपस में जो सांस्कृतिक मोर्चे पर आदान प्रदान हो सके, एक दूसरे की भाषा सीखी जा सके, एक दूसरे के बारे में जाना जा सके, तो ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ जब 31 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई गई। क्या इस तरह की लीडरशिप आज देखने को मिल सकती है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को वीटो आउट कर दिया था एक समय में जब स्टैंडिंग कमेटी की। मैं आज की परिस्थिति से अगर इसे जोड़कर देखूं तो एक विसंगति और विडंबना दिखाई देती है। कहां एक पद के लिए अपना नाम पीछे खींच लेना, और आज के अखबारों में हेडलाइन क्या है कि 27 और लोग लाभ के 2 पदों पर रहे इसलिए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लाभ का भी चाहिए, पद भी चाहिए, लाभ का भी चाहिए और एक नहीं 2 चाहिए, ये स्थिति आई है आज। और इस स्थिति के लिए कुछ चीजें जिम्मेदार हैं। राजनीतिक दलों में देखें तो जब हम उनकी इंडेक्सिंग करेंगे अलग अलग, तो अगर इंडेक्सिंग करें तो आपको एक धारा में दिखाई देते हैं कुछ दल हैं जिनका क्षेत्रवाद, भाषा और कुछ समूहों तक राजनीतिक पहचान टिकी हुई है। कुछ हैं जिनके लिए परिवारों के उपनाम ही उनके सबसे बड़े बिल्ले हैं, तमगे हैं, वही लगाने हैं और परिवार ही सबसे ऊपर रहेगा, वही उनकी शील्ड है, वही उनकी फील्ड है, उसके आगे कुछ नहीं है। और तीसरी जगह पर जो गुंजाइश बनती है कि जहां पर व्यक्ति पीछे है विचारधारा आगे है, उसमें भी अगर नेशन फर्स्ट की बात करने का कोई दम रखता है तो हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। हमने कहीं ना कहीं ये कमी छोड़ी है कि जो क्षेत्र की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, खास पहचान की बात करते हैं, या एक कुनबे की, एक कोटरी की बात करते हैं, उन लोगों को जो चढ़ाया। नितेश, क्या ये पॉसिबल है? देश को आगे रखना, समाज को आगे रखना, एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि क्रेडिट ना लेना। बिल्कुल, अगर आप ऐसे कहते हो क्रेडिट ना लेने, और आज की सारी लड़ाई क्रेडिट को लेकर के ही है, छाए रहने के बारे में। ये क्या आप यंगस्टर्स इस बात से सहमत है कि क्या ये पॉसिबल है आज की तारीख में? मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं। सिर्फ ना, मैक्सिमम लोग यहां कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। उदाहरण देता हूं जी,
कि ये ठीक है कि आप आज जेएनयू में चले जाइए, बात सारे वामपंथ की करते हैं और ऑफर चाहते हैं कि उन्हें गूगल से आ जाए, तो एक एक भौतिकवाद के बीच में हमारे मन में द्वंद है कि बात कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, मन में कुछ और है। इस लाइन से अलग सोचने वाले लोगों की शिनाख्त करना आज ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे बीच में है। ऐसे राजनेता हैं कि अपनी सैलरी कामों में लगाने की क्षमता रखते हैं, इक्के दुक्के होंगे, गिनती के होंगे, मगर तलाशने हमें ही पड़ेंगे। ठीक है। ऐसे लोग हैं कि एमपी लेड फंड का ब्यौरा देने की क्षमता रखते हैं, आईटीआर समय पर जमा करते हैं और फर्स्ट रेंज के उनके जो रिलेटिव्स हैं पहली श्रेणी के उनका ब्यौरा आय का देते हैं, मगर ऐसे कितने लोग हैं। अब कुछ संस्थाओं ने उनका ब्यौरा और रिपोर्ट कार्ड देना शुरू किया है। ठीक है। एक बड़ा सोशल स्कैनर खुला है, उस स्कैनर पर अगर हम भी नजर रखेंगे तो देखिए छान फटक तो इस राजनीति की करनी पड़ेगी जी। और वो कोई और नहीं करेगा जिनके ये ताजा ताजा वोट बन रहे हैं, ये प्रेशर बनाएंगे और वो छान फटक करेंगे। तो अभी जो नाना है वो पॉलिटिशियंस हैं, इनको जो इनसे इंस्पिरेशन यंगस्टर्स ले सके, इनके लिए एकेडमिक लेवल पे क्या कुछ हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है इसको समझने की कोशिश। देखिए मैं तो मानता हूँ कि युवा पीढ़ी अक्सर मैंने देखा है थोड़े बड़े बुजुर्गों को कहते हुए अरे इस देश का क्या होगा, ये देखो युवा पीढ़ी में। मुझे तो सबसे ज्यादा उम्मीद युवा पीढ़ी से है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ युवा पीढ़ी को तो मुझे तो लगता है कि शायद मैं वो चीजें नहीं कर पाया जो ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, इनके अंदर वो कमिटमेंट है, उनके अंदर जो है वो एक एक जज्बा भी है और आज वो उनके पास संसाधन भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ये हमारा दायित्व बन जाता है कि उनको वो रास्ता, कि ये रास्ते भी हैं, कौन सा रास्ता चुनना है वो उनको चुनना है, लेकिन उनको विकल्प देना कि एक स्वस्थ राजनीति का ये एक विकल्प है कि ऐसे भी नेता हमारे बीच में रहे हैं, ये उनको बताना ये बहुत जरूरी है, उनके जीवन के बारे में भी बताना। ये नहीं कि हम सिर्फ इतिहास का जो है सिर्फ एक एक दृष्टिकोण से देखें, हम चाहते हैं कि वो जो हमारी जो नई पौध है उनको पता चले कि इस देश की विरासत क्या है, इस देश में कैसे नेता रहे हैं, इस देश का जो है इतिहास क्या रहा है, इस देश का संस्कृति क्या रही है, ताकि उनको एक ये कभी महसूस ना हो कि हम जो है एक गुलाम मुल्क थे और उस गुलामी से निकलकर जो है हम आए हैं। उनके अंदर होना चाहिए कि हम गुलाम होने से पहले क्या थे, हम गुलाम क्यों हुए और आगे हम गुलाम ना हों, क्योंकि सरदार पटेल का सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम जब अंग्रेज आए तो गुलामी के खिलाफ तो हम इकट्ठे हो गए, लेकिन आज हम आजाद हो गए तो हम फिर बिखर रहे हैं। और आज देखिए जब कावेरी विवाद को लेकर जब दो प्रदेशों के बीच में हम देखते हैं सड़क पर लोग उतर कर गाड़ियां जला रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, तो वाकई दुख होता है कि कम से कम ये सरदार पटेल का भारत नहीं है जिसका उन्होंने संकल्पना की थी। उन्होंने कहा कि हम ये आपस में लड़ना बंद करें, उन्होंने कहा कि एक जी पूरे समाज में समरसता की बात कही उन्होंने, उन्होंने कह दिया ये जातिगत भेदभाव जो हो रहा है उसके बारे में, उसके बारे में उन्होंने कहा। आपको शायद ताजुब होगा सुन के, वो पूरे पूरे कमिटी सब कमिटी बने थे उसमें माइनॉरिटीज का पूरा जो है वो इंचार्ज थे। पूरे पार्टीशन के बाद उनका सबसे बड़ा आज जो सिविल सर्विस आज जो खड़ा है जिसमें आप में से कई लोग भी प्रयास करेंगे, आईएएस आईपीएस, ये उन्होंने खड़ा किया। ये उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों का सिविल सर्विस जो खड़ा हुआ था वो एक गुलाम मुल्क पर राज करने के लिए था, लेकिन ये जो सर्विस हम खड़ा कर रहे हैं ये सेवा के लिए कर रहे हैं, भारत के सेवा के लिए कर रहे हैं। वो जो भावना जो है वो हमारे अंदर कूट कूट के भरने की जरूरत है और ये सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है और आपको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करना पड़ेगा ताकि ये जो आज जनरेशन है ये अपने देश के बारे में सोचे और आगे बढ़े। लेकिन जैसा हितेश मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया वाली जनरेशन, ये किस तरह से लीडरशिप रोल लेने के लिए अपने आप को खुद को प्रेरित कर सकती है, क्योंकि आज का जनरेशन का कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, चलता है ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा लेकिन मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स यही होता है, अपने बारे में सोचते हैं। क्या क्या इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या कुछ आपको लगता है होना चाहिए, यंगस्टर्स थोड़ा देश के बारे में सोचे तभी उन्हीं का विकास भी हो सकेगा। देखिए ऐसा है कि इस जनरेशन के बारे में ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि अभी मैं एक एजेंसी के सर्वे से जुड़ा था मीडिया के लिए, नए
जनरेशन के लोग थे, दिन में 5 बार फेसबुक का स्टेटस चेंज करते हैं और कई सारे ग्रुप्स के एडमिन हैं व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर ट्वीट भी करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, और साल में उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, चैंपियन पढ़ी है, 10 ईयर पढ़ा है, ऐसी बातें आती हैं। परंतु उसके साथ ही उन बच्चों को यह पता था कि लंदन में अभी थोड़े दिन पहले दंगे हुए हैं और वो दंगे जो हैं मार्क डग्गन नाम के आदमी ने कराए हैं। कैसे पता था? आपस में कम्युनिकेशन इस जनरेशन का इतना अच्छा है जितना कई पीढ़ियों पहले कभी नहीं था। इसलिए जो चीज आप पहले 4 घंटे में पढ़ते थे ये शायद 4 मिनट में पढ़ते हैं, पर ये किस सोशल लेवल पे कम्युनिकेशन काम की बात पढ़ते हैं, ये सोशल मीडिया पे कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। और इन्हें पता है सही गलत की छटाई कैसे होती है, किसको अनफ्रेंड करना है, कहां फालतू बातें आती हैं, कहां मेरा टाइम किलर्स है, ये लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसलिए ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार जनरेशन है। इतना जरूर जोड़ूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर ये बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व के जो बैंगलोर में जो घटना हुई जिसमें उत्तर पूर्व के छात्रों को बड़े तादाद पर छोड़ के जाना पड़ा कुछ मॉर्फ पिक्चर्स के आधार पर, इस पर हमें देखना है कि हम क्या लाइक कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हम क्योंकि हमारे मित्र ने पोस्ट किया है तो हमने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। हम क्या लाइक कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, उससे जो है सिर्फ मेरे और उनके रिश्ते के बीच में नहीं है, वो समाज में क्या विद्वेष फैला रहे हैं, क्या किसी ने कोई स्पीच किसी का जो है एक यूट्यूब लिंक डाल दिया, अब हमने सिर्फ इसलिए लाइक कर दिया क्योंकि हमारे दोस्त ने, ये नहीं कि एक बार खोल के देखें, किसी ने एक लेख लिखा है क्योंकि किसी ने लिखा है तो हमने भी लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। आप शेयर करते हैं 5,000 लोगों के बीच में चला जाता है, लेकिन उसका असर क्या होगा? तो हमें ये जो एक अवेयरनेस है आपके अंदर होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पे है, मैं लाइक किसको कर रहा हूँ, मैं शेयर क्या कर रहा हूँ, शेयर क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त में हितेश, अभी जो बात थी, मैं इस जनरेशन की क्षमताओं पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु जो पुरानी जनरेशन से एक चीज चली आ रही थी कि सरकार क्या कर रही है, मगर उसके साथ सरकार के साथ हमारे संस्कार क्या कर रहे हैं, क्या हमने विवेक बुद्धि अपनी कहीं एक किनारे रख दी है? बिल्कुल, वो किनारे नहीं रखी है। बिल्कुल, मुझे लगता है सरदार पटेल की भी यही सोच थी और इस जनरेशन को भी यही सोच अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि लीडरशिप रोल आपको खुद को ही लेना पड़ेगा और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। अगर आप अपना जो भागीदारी उसे निभाएंगे देश को आगे ले जाने की दिशा के अंदर, तो आपकी खुद की भी तरक्की होगी और साथ ही साथ आपके समाज की और आपके देश की भी तरक्की होगी। बहरहाल आज के जेनेक्स के सफर में इतना, लेकिन हमारे दोनों खास मेहमान केजी सुरेश जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और हितेश आपका भी शुक्रिया, आप इस शो पर आए जेनेक्स के सफर में यंगस्टर्स के बारे में जो आपने जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की कैसे लीडरशिप रोल लेने से। बहरहाल जेनेक्स में इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।